हेलो एवरी वन टूडे वी विल डू लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने किया सीरीज रेजोनेंस सर्किट एंड पैरलर रेज़ोनेंस सर्किट सीरीज को हम असेप्टर सर्किट भी कहते हैं और पैरलर रेजोनेंस सर्किट को हम रिजेक्टर सर्किट भी कहते हैं आज हम करेंगे क्वालिटी फैक्टर ऑफ अ रेजोनेंस सर्किट क्वालिटी फैक्टर और यू यू कैन से क्यू फैक्टर ऑफ अ रेजोनेंस सर्किट ठीक है तो सबसे पहले मैं इसके लिए डायग्राम बना लेती हूँ दिस इज योर आई नॉट यहाँ करण जा रहे हैं और यहाँ हमारे पास एंगुलर फ्रिक्वेंसी है ओमेगा ठीक है दिस इज द कर फॉर आर वन आर वन रेजिस्टेंस एंड दिस इज द कर्व फॉर आर टू रेजिस्टेंस ठीक है दिस इज़ द बैंड विथ डेल्टा ओमेगा ठीक है यहाँ से एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी गिरेगी यहाँ से हमारे पास एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी आएगी ओमेगा टू ओमेगा वन ठीक है ऐसे ही सिमिलरली इस वाले का की भी आएगी तो दिस इज द आई नॉट मैक्सिमम आई नॉट मैक्सिमम और कुछ वैल्यू से डिवाइड करेंगे डेट इज आई नॉट मैक्सिमम बाय रूट टू कुछ कम वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी हमारे पास आई नॉट मैक्सिमम बाय रूट टू यह आपको सेकेंड ईयर में हमारे पास प्रैक्टिकल में भी है सीरीज एंड पार्लर रेजोनेंट सर्किट तो आपको प्रैक्टिकल जब आप करेंगे तो आप और अच्छे से इसे समझ जाएंगे ठीक है तो आप इस चीज को याद रखिएगा आर वन जो है हमारे पास आर टू से कम होता है फिर इस वैल्यू को जो भी ये वैल्यू होगी ग्राफ में उसे किसी रूट टू से डिवाइड करेंगे वो कुछ कम आएगी वैल्यू उसको प्लॉट करेंगे आई नॉट मैक्सिमम बाई रूट टू वहां से जो दो फ्रीक्वेंसीज गिरेंगी डेट इज ओमेगा वन एंड ओमेगा टू और जो सेंटर से फ्रिक्वेंसी मिल रही है डेट इज ओमेगा नॉट विच इज नोन एज अ रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी ओके सो वॉट डू यू मीन बाय क्वालिटी फैक्टर तो क्वालिटी फैक्टर है क्या इट इज अ अयर ऑफ इट्स एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी फ्रॉम अदर फ्रिक्वेंसी ये एक एबिल मैयर करने की एबिलिटी है कि वो रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी को डिस्क्रिमिनेट कर सकता है अदर फ्रिक्वेंसी से और इसे हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं इट इज डिफाइंड एज टू पाई टाइम्स द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल रेशियो ऑफ ठीक है टू एनर्जी डेसीपेटेड एनर्जी डेपेटेड पर साइकिल ठीक है एनर्जी डेसीपेटेड पर साइकिल नाउ डेसिपेटेड डेसिपेटेड मतलब कितनी एनर्जी कन्वर्ट हुई है हीट एनर्जी में ठीक है तो इट इज ऑल्सो डिफाइनज टू पाए टाइम्स द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल टू द एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल वेर डेसीपेटेड मीन्स कि कितनी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुई है मैथमेटिकली क्यू इज इक्वल टू दिस टू पॉइंट टू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर पर साइकिल अपॉन एनर्जी डेसीपेटेड फोर साइकिल दिस इज इक्वेशन नंबर वन वेयर क्यू इज़ डायमेंशनलैस क्योंकि ऊपर भी एनर्जी है नीचे भी एनर्जी है एनर्जी स्टोर्ड अगर इंडक्टर के अंदर हो रही है इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो रही है तो वो दी जाएगी हाफ एल आई नॉट स्केयर से और अगर कैपेसिटर के अंदर एनर्जी स्टोर्ड हो रही है तो वो दी जाएगी हाफ सी एप एल नॉट स्केयर से इस दो रिलेशंस को हमें याद रखना है जिससे हम इनकी डेरिवेशंस करेंगे अगर इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर हो रही है तो वो दी जाएगी हमारे पास हाफ एल आई नोट स्केयर और अगर कैपेसिटर के अंदर हो रही है तो हाफ सी ई नोटर क्लियर है नाउ अगेन वही डायग्राम बनेगा एल सी आर और ये जा रहे हैं हमारे पास ए सी सर्किट में एल सी आर ई इज इक्वल टू तो एप्स एलोनॉट ई की पावर जे ओमेगा टी अब तक तो ये इक्वेशन याद हो गई होगी रट गई होगी ओके नाउ नेक्स्ट फॉर सीरीज रेजोनेंस सर्किट सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर सीरीज रेजोनेंस सर्किट क्वालिटी फैक्टर निकालेंगे सीरीज रेजोनेस सर्किट के लिए इन सीरीज रेजोनेंस सर्किट हमें पता है करंट मैक्सिमम होता है हमने कल पढ़ा है करंट मैक्सिमम होगा तो सारी की सारी एनर्जी स्टोर किस में होएगी इंडक्टर के अंदर होएगी और जब ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो सारी की सारी एनर्जी स्टोर किसके अंदर हो जाएगी कैपेसिटर के अंदर सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर जब करंट मैक्सिमम होगा तो सारी की सारी एनर्जी स्टोर्ड होगी इंडक्टर के अंदर और अगर ईएमएफ मैक्सिमम है तो सारी की सारी एनर्जी स्टोर्ड होगी कैपेसिटर के अंदर देयरफॉर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल इज इक्वल टू दिस इंडक्टर के अंदर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड हो रही है वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट और एनर्जी डेसीपेटेड अक्रॉस रेजिस्टर पर साइकिल क्या हो जाएगी एनर्जी डे आर टी नॉट दिस इक्वेशन नंबर थ्री ये टू ठीक है टी नॉट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए सी एट रेजोनेट तो टी नॉट की वैल्यू हम लिखते हैं टू पाए बाय ओमेगा नॉट दिस इज इक्वेशन नंबर फोर और यहाँ ओमेगा नॉट क्या है रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी बट आई आर एम एस की वैल्यू क्या है हमें पता है आई नॉट अपॉन रूट इज इक्वेशन नंबर फाइव इन सारी इक्वेशंस को इक्वेशन नंबर वन में पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन कौन सी थी जो क्यू इज इक्वल टू टू पाई इन टू मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड कितनी है हाफ एल आई नॉट स्केयर अपॉन एनर्जी डेसीपेटेड एनर्जी डेसीपेटेड कितनी है आई आर एम एस स्केयर आर टी नॉट आई आर एम एस स्केयर की जगह हम ये पुट कर सकते हैं आई नॉट स्केयर बाय रूट टू की स्केयर तो ये रूट टू स्केयर से कट गया आर टी नॉट की जगह क्या आ जाएगी टू पाए ओमेगा नॉट ओके अभी या तो टी नॉट ही रख लेंगे हम इसको ठीक है ये आई नॉट स्केयर से आई नॉट स्केयर कैंसिल टी नॉट ही रखते हैं हमें अभी इसको ठीक है तो वॉट विल बी गेट टू पाए वन सॉरी एल एल बचा ना ऊपर एल अपॉन आर टी नॉट अब ये टू था ये टू इसके साथ कैंसिल हो गया ठीक है ये बचा हमारे पास अब इसको टू पाई टी नॉट को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा नॉट क्यों क्योंकि ओमेगा नॉट तो ओमेगा नॉट इसकी जगह हम ओमेगा नॉट लिख सकते हैं तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास ओमेगा नॉट एल अपॉन आर और ओमेगा नॉट एल क्या है हमारे पास XL XL अपॉन आर दिस इज इक्वेशन नंबर सिक्स ठीक है ना सीरीज के लिए कर रहे हैं हम एट रेजोनेंस एट रेजोनेंस रेजोनेंस के केस में क्या हो रहा है एक्सएल हमारा एक्सी के इक्वल है ठीक है तो क्यू एस सीरीज के लिए निकाल रहे हैं एक्सएल इज इक्वल टू एक्ससी अपॉन आर इसका मतलब ओमेगा नॉट एल अपॉन आर इज इक्वल टू वन अपॉन ओमेगा नॉट सी आर यही हो गया ना तो क्या एस इसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई दिस इज द क्वालिटी फैक्टर फॉर द सीरीज रेजोनेंस सर्किट अब हम करते हैं क्वालिटी फैक्टर फॉर द पैरलर रेजोनेंस सर्किट पैरलर रेजोनेंस सर्किट के अंदर क्या होगा सेम जब करंट मैक्सिमम है तो सारी की सारी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है हमारी इंडक्टर के अंदर और जब ईएमएफ मैक्सिमम है तो सारी की सारी एनर्जी स्टोर्ड हो रही है हमारी कैपेसिटर के अंदर ठीक है देन मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल इज इसके अंदर कैपेसिटर के अंदर पैरलर में कैपेसिटर के अंदर वे ई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ इन द सर्किट एनर्जी डेसीपेटेड वहां आई आर एम एस स्केयर आर टी नॉट था या ई आर एम एस स्केयर बाय आर टी नॉट दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री दिस इज इक्वेशन नंबर टू क्योंकि वन इक्वेशन हमारी क्या थी ये वाली है जो हमने पीछे लिखी थी अभी ठीक है नाउ टी नॉट की वैल्यू हम क्या लिख देंगे टू पाए बायोमेगा नॉट दिस इज इक्वेशन नंबर फोर और इर एम एस की वैल्यू भी हमें पता है तो ई आर एम एस इज ई नॉट अपॉन रूट टू दिस इज इक्वेशन नंबर फाइव फुटिंग इक्वेशन टू थ्री फोर एंड फाइव इन इक्वेशन वन वन इक्वेशन क्या है क्यो इज इक्वल टू टू पाए किसके लिए कर रहे हैं पैरलर तो पी कर दिया सीरीज के लिए कर रहे थे तो एस कर दिया था टू पाए इन टू एनर्जी स्टोर मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड पर साइकिल दैट इज हाफ सी नॉट स्केयर बाय एनर्जी डेसिपेटेड एनर्जी डेसिपेटेड कितनी है ई आर एम एस बायर की वैल्यू पुट करते हैं ई नॉट स्केयर बाय रूट टू की स्केयर ये कट गया ठीक है अपॉन में आर इन टू टी नॉट टी नॉट टी नॉट भी नीचे आएगा ना सॉरी ये टी नॉट क्योंकि हम इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं ठीक है नाउ ये कट गया ये टू से टू कट गया वॉट विल बी गेट क्यू पी की वैल्यू क्या आ गई टू बाई सी आर बाय टी नॉट अगेन इसको अब हम क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ओमेगा नॉट तो ये क्या आ गया ओमेगा नॉट सी आर ठीक है तो क्यों पी की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं लिख सकते हैं ऐसे? क्या किया वन अपॉन ओमेगा नॉट सी है तो ऊपर जाके तो ये यही बनेगा ना तो इसको ऐसे लिखें ऐसे इज द सेम थिंग सो दिस इज वन अपॉन आर अपॉन एक्स सी तो क्यों पी क्वालिटी फैक्टर फॉर पार्लर रेजोनेंस सर्किट इज आर अपॉन एक्ससी क्लियर है दिस इज योर पार्लर रेजोनेंस सर्किट ओके दिस इज इनफ फॉर टूडे थैंक यू